ओके बेटा, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? जस्ट लाइक पेंडुलम, पेंडुलम को अगर आपने देखा हो कि वो अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा होता है, वो इधर जा रहा होता है, फिर वापस आ रहा होता है, फिर इधर जा रहा होता है, फिर वापस आ रहा सेम इसी तरीके से जो सर्कल में बॉडी मूव कर रही होती है वो भी अपने आप को रिपीट कर रही होती है। यहाँ से यूँ जा रही होगी, फिर पलट कर वापस आ रही होगी, फिर वापस आ रही होगी, बार बार ये मोशन रिपीट हो। तो हर वो मोशन जो कि मैं अपने आप को रिपीट करे, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, विच रिपीट itself after a regular interval of time। example में इसकी motion of pendulum, सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन। सही है? इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, तीनों को क्लियर है, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? लिखने तो दे। अच्छा, अरे अपना अभी वैसे एक क्लास रिकॉर्ड हो रही है, चाहो तो फिर बाद में भी तुम लोग लिख सकते हो आस्ते आस्ते सारी चीजें ताकि ना कवर कर लो। सही है सर। ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप लोगों के लिए ये है कि जो मैथमेटिकल स्टेप्स वो अगर आप लिखना चाहेंगे तो वो आप लिख सकते रहिएगा, कॉपी पेन साथ रख लीजिएगा, बस ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, समझ के जरूर जाइएगा। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो शराइत है। पहली बात कि बॉडी के जो मोशन हो वो कौन सी मोशन हो, ऑसिलेटरी मोशन। बॉडी की जो मोशन है वो कौन सी मोशन हो, ऑसिलेटरी। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। पहली बात ऑसिलेटरी मोशन हो, यानी बार बार रिपीट कर रही हो, दूसरी बात ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दो चीजें पाई जा रही हैं तो ये मोशन फिर क्या कराएगी, सिंपल हार्मोनिक। डेफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे, ऑसिलेटरी motion in which acceleration of body is directly proportional to negative displacement। It's called simple harmonic example है। कौन कौन सी एग्जाम्पल आपके कोर्स में, जैसे है ये बहुत शामिल है, मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, नंबर टू मोशन ऑफ सिंपल पेंडोलम,
दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर, यहाँ तक क्लियर? आसान, अनस, हसीब? जी सर। ठीक है, अनस क्लियर है? ओके, आगे बढ़ो। जी सर। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स। ऑफ सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन की करैक्टरिस्टिक। पहली बात, बॉडी अपनी मोशन को बार बार रिपीट करेगी, जैसे कि पेंडुलम है ना, बार बार इधर जाएगा, बार बार इधर आएगा, यानी कि अपनी मोशन बार बार रिपीट करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस जाएगा। यानी पहला पॉइंट क्या होगा? रिपीटेड मोशन। दूसरी बात क्या होगी? जैसे कि ये पेंडुलम अगर इधर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर कवर करेगा, तो ये वापस एक्सेलरेशन से इधर, तो इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के। और नेगेटिव क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा यहाँ से उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, जितना कम होगा उतनी कम होगी। और नेगेटिव इस वजह से क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट। ये वाला पॉइंट क्लियर? सबको सेकंड पॉइंट ये वाला रिपीट कर दो। देखो मतलब ये है कि ये पेंडुलम पहले एग्जांपल में केस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स, और दूसरी एग्जांपल में ये पेंडुलम है, इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है बनिस्बत पहले से, पहली का कम है दूसरी का ज्यादा, तो इधर की एक्सेलरेशन क्या होगी? लेस होगी, और इधर की एक्सेलरेशन ग्रेटर। ये पहली बात, और दूसरी बात ये है कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, इन दोनों की एक्स की और टी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। सर माइनस साइन इसलिए आएगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, मैं आगे नेगेटिव ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, नेगेटिव साइन साइन शोज दैट बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तीसरा पॉइंट, यह सिंपल हार्मोनिक मोशन है बेटा, दो पोजीशन होती है, एक होती है मेन पोजीशन और एक होती है एक्सट्रीम पोजीशन। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, ये और ये मेन पोजीशन,
एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की जानेब होगा, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की जानेब, उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की जानेब। पॉइंट थ्री क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज directed towards mean position. जी ये वाला पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ू? जी सर। चौथा पॉइंट, रीस्टोरिंग फोर्स मौजूद हो, रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रेजेंट इन बॉडी। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है बताता हूँ, एक एग्जांपल। ये स्प्रिंग, इससे एक बॉडी कनेक्ट, ये मैंने स्ट्रेच किया, बॉडी इधर आ गई, लेकिन मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो बॉडी कहां जाएगी, पलट के वापस आएगी पुरानी पोजीशन पे। जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो बॉडी पलट कर दोबारा वापस आएगी अपनी पहली वाली। किस फोर्स के तहत? रीस्टोरिंग फोर्स, यानी रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर मौजूद होगी, जिसका काम क्या होगा, विच ब्रिंग बॉडी बैक टूवर्ड its original position. जी बच्चों क्लियर? हसन, अनस, अला, जी सर, अजीब, जी सर, क्लियर है? ये मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। याद रखना मेन पोजीशन पे जो है इस मेन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और इस एक्सट्रीम एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ड्यूरिंग दिस मोशन कॉमा काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट इसका मैं रीजन भी लिख रहा हूं, बिकॉज सर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी ना। यस, इस पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, बिकॉज velocity is maximum at this
जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी कहाँ पे, एक्सट्रीम पे। नेक्स्ट इसी के साथ ही है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन, क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम at this सर hmm. ये वापस समझा दे, दोबारा बता दे। दो पोजीशन, एक मीन एक एक्सट्रीम। मीन पे काइनेटिक एनर्जी मत, क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन से ताल्लुक है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम, इस पॉइंट पे बॉडी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे मीन पे, मीन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन बिकॉज वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट दिस पोजीशन, इस पे मीन। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, स्ट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एट दिस सही है सर। ठीक है, आखिरी पॉइंट, आप देख रहे हैं इस पूरी मोशन में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, यानी के एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब बॉडी एक्सट्रीम से काइनेटिक पे जा रही होगी, और सॉरी मेन पोजीशन पे जा रही होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी किस पे, काइनेटिक, और जब मीन से एक्सट्रीम पे जा रही होगी तो काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो रही होगी, ओके, एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक, और फिर मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो रही होगी, तो इसका मतलब ये, यहाँ पे एक लॉ ऑफ होगा जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबे ड्यूरिंग, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट ये है, एनर्जी कन्वर्ट करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, एनर्जी कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, एनर्जी क्या रहती है, यही बेटा, हेलो सर, ये लॉ ऑफ कन्वर्जन जो आपने दोबारा पॉइंट, ये इसमें जो होगी टोटल एनर्जी जो होगी कांस्टेंट होगी, हाँ, मतलब ये कि किसी भी पॉइंट पे हम पोटेंशियल और काइनेटिक का जो सम ले रहे हैं
उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहे किसी भी पॉइंट। मसलन ये अगर तीन पोजीशन ले लूं, ये डायग्राम है, ये मेन पोजीशन, ये बीच में एक पोजीशन और ये आखिरी एक्सट्रीम। इधर भी टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब अगर 10 जूल है तो 10, इधर भी टोटल एनर्जी की वैल्यू 10 रहेगी, इधर भी टोटल एनर्जी की वैल्यू 10। तो टोटल एनर्जी होगी क्या, काइनेटिक प्लस हर पॉइंट टोटल सेम है, जबकि काइनेटिक कन्वर्ट हो रही होगी पोटेंशियल में और पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक। सही, सब सबको ये टॉपिक क्लियर है, आगे बढ़ूं? जी सर। ठीक है अनस, क्लियर है? जी सर। हाँ भाई ऐसी क्लियर? जी सर। हाँ क्लियर? यस सर। ओके डन। नेक्स्ट है, अब डेरिवेशन वाला जो टॉपिक शुरू हो रहा है मैथमेटिकल, ये हेडिंग है मोशन ऑफ मास स्प्रिंग। ये बॉडी स्प्रिंग से कनेक्ट है, हमने इस बॉडी को क्या किया, स्ट्रेच किया, यहां से यहां तक उसने डिस्टेंस कवर किया x, ठीक है। बॉडी कनेक्टेड विद स्प्रिंग इन अ स्टेट ऑफ on stretching it move towards extreme position covering बॉडी को जब रिलीज करेंगे तो रीस्टोरेज फोर्स डेवलप होगी जो कि उसको पलट के वापस करेगा, ठीक है। तो ऑन रिलीजिंग बॉडी रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस अच्छा ये रीस्टोरिंग फोर्स एफ जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब मैं ज्यादा खींचूंगा तो फोर्स ज्यादा होगी, कम खींचूंगा तो फोर्स कम होगा। जैसे रबर बैंड है, अगर रबर बैंड को कम खींचते, अगर मैं रबर बैंड को कम खींचूं और एक में मैं ज्यादा खींचूं, इधर रीस्टोरिंग फोर्स लेस होगी इधर ज्यादा होगी, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली आगे लिख दूं, विच इज डायरेक्टली
proportional to displacement. अगर इसको आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो वो ये होगा f प्रोपोर्शनल f. अच्छा दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है. But f and x are opposite. So f proportional minus x. Factor में आपने पढ़ा होगा कि जब दोनों की direction opposite हो तो एक के साथ positive तो दूसरे के साथ क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? माइनस के जहां तक स्टार्टिंग बना है क्लियर है. आप चारों को स्टार्टिंग क्लियर है? जी सर. नहीं सर. अजीब देखो स्ट्रेच किया तो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ कितना? एक्स. कितना कवर हुआ? डिस्प्लेसमेंट एक्स. जब मैं छोड़ूंगा तो फोर्स डेवलप होगी. कौन सी फोर्स? ये रीस्टोरेशन. कौन सी फोर्स है? ये रीस्टोरिंग फोर्स इज एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगी, ये कम होगा तो ये कम. मैंने यहाँ पे लिखा एफ प्रोपोर्शनल एक्स. एफ प्रोपोर्शनल डायग्राम में देखें x की डायरेक्शन इधर है, f की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. मैंने लिखा f एंड x आर ऑपोजिट, तो एक के साथ क्या आ जाएगा? माइनस. प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या आएगा? इक्वल टू और कांस्टेंट. कांस्टेंट में क्या आएगा? माइनस k. तो ये कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी? क्या होगा? कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, मतलब इसको एक नाम देते हैं डिफरेंट वैल्यू को. स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ तक लिखो. एक मिनट बता रहा हूँ. अजीब हाँ चैट पर आ व्हाट्सएप पर सही है. यहाँ तक कॉपी कर लिया. इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट. इसके बाद बाय न्यूटन लॉ राख में दरवाजे पे कोई है. बाय न्यूटन लॉ F equal to ma. इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे. ये भी F के बराबर है, वो भी F के बराबर है. कंपेयरिंग वन आप वो हमें वो बता रहे हैं ना कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस x. यानी a से प्रोपोर्शनल टू माइनस x की आप वो बता रहे हैं ना कैसे हो रहा है. और इससे a की वैल्यू भी निकलेगी. यस सर. माइनस k अपॉन m नहीं, k अपॉन m हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. हां इन दोनों इक्वेशनों को मैं कंपेयर करूंगा तो m a बराबर होगा माइनस k. ए बराबर होगा माइनस के अपॉन
एम एक्स, ये आ गई एक इक्वेशन। सर ऐसा क्यों के अपॉन एम कर रहे हैं हम, के एक्स अपॉन एम नहीं करते? असल में वेरिएबल है ये दोनों, जो चीजें है ना ये कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होता, के भी चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने कांस्टेंट को इकट्ठा कर दिया। सही है, इफ के अपॉन एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। देन ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स, कॉन्स्टेंट हटाऊंगा तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट हटाऊंगा तो क्या आएगा? यहां से दोनों चीजें प्रूव हो गई, एक ये भी इक्वेशन भी आ गई और ये भी प्रूव हो गया, प्रूव ए इट इज एसेट। क्लियर हो गया सर, आगे चले? सबको क्लियर है ये यहाँ तक? यस सर। ओके भाई, आसान क्लियर है, अनंत क्लियर है? जी सर। हाँ भाई, अनंत क्लियर है? जी जी सर जी, ठीक है ओके। अब आ जाओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मास स्प्रिंग सिस्टम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे, ये बॉडी स्प्रिंग से कनेक्ट, एक्सट्रीम पे आई, मेन पे आई, फिर एक्सट्रीम पे आई, अगर आप ये सारी पोजीशंस को आपस में मिलाएं ये रेफरेंस लाइन, इन सबको आपस में मिलाएं इस तरीके से, ये एक तरीके की साइन वेव बन रही है जिसपे यहाँ पे एंगल जीरो होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 और यहाँ 360, इसका मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है, जब एंगल बन रहा है तो उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। सबसे पहले मैं उसको डिफाइन कर दूं, एंगल सबटेंडेड विथ मेन पोजीशन इन यूनिट टाइम कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
को डिनोट किससे करते हो ओमेगा? सही है, मास स्प्रिंग सिस्टम में ए किसके बराबर है? अभी हमने ए की इक्वेशन ड्राइव की थी, वो क्या थी? माइनस k upon m x, अच्छा, लेकिन तमाम सिंबल हार्मोनिक मोशन में, तमाम सिंबल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन का एक फार्मूला है, वो क्या है? A is equal to minus omega square f. ये तमाम सिंबल हार्मोनिक मोशन में वैलिड है, ये वाला दूसरा वाला। हाँ, तरह का वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है ना? हाँ, वो वेलोसिटी का भी है, वो भी उसकी भी डेरिवेशन है। ये फार्मूला तमाम सिंबल हार्मोनिक में वैलिड है, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो पेंडुलम हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कल हो। ये दोनों फिर ए के बराबर है, तो अब क्या करेंगे? कंपेयर, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस के अपॉन एम एक्स, सही है। यहां आप एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचेगा क्या फिर? ओमेगा स्क्वायर ए बाय एफ। मुझे तो ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये ओमेगा किसके बराबर आएगा?